बॉलीवुड की दुनिया ही कुछ अनोखी है। रोज लाखों करोड़ों में लोग सपनों की नगरी मुंबई में एक ही सपना लेकर आते हैं और वो ये है कि उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है। एक्टर बनने के ख्वाब को हर कोई पूरा तो नहीं कर पाता, लेकिन स्ट्रगल करने वाले कभी हिम्मत नहीं हारते। लेकिन बॉलीवुड दूर से जितना रंगीन दिखता है उतना है नहीं। इस इंडस्ट्री के जितने करीब आओ उतने ही इस इंडस्ट्री के कड़वे सच सामने आते हैं। तो आज यू वोंट बिलीव में हम आपको बताते हैं एक बिगेस्ट नाइटमेयर कास्टिंग काउच के बारे में। कंगना रनौत। कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत ने रिवील किया कि तनु वेज मनु के दौरान ऑडिशन के बाद कंगना को सेक्स करने के लिए कहा गया था, लेकिन कंगना ने साफ मना कर दिया। साथ ही ये भी बता दे कि कंगना का कहना था कि उनको 17 साल की उम्र में आदित्य पंचोली ने फिजिकली अब्यूज किया था। ये भी कंगना ने कहा कि उन्हें शुरुआती दिनों में ऑलमोस्ट हर किसी ने ऑडिशन के बाद उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगे थे। एक इंटरव्यू में कंगना ने कास्टिंग काउच के खिलाफ स्ट्रांग होने के बारे में कहा, Honestly, I feel somebody has to be really dumb to think that they would get a role for sleeping around, and I have never been so dumb, not even at the age of 17 when I started my career. People should use their common sense. It's stupid if you actually believe someone who tells you that he or she is giving you a role only if you please him or her. Ranveer Singh. बॉलीवुड के किंग ऑफ कोक रणवीर सिंह को भी सामना करना पड़ा है कास्टिंग काउच का। स्ट्रगलिंग डेज के दौरान रणवीर के साथ कई ऐसे हादसे हुए। एक इंसिडेंट को याद करते हुए रणवीर ने कहा कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें उनके घर पर बुलाया था, वो भी पोर्टफोलियो देखे बगैर, और उस कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कहा कि इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। रणवीर ने कहा, When I said an outright no to the demands, the man started negotiating with me if I can just touch or if at least he can see. Later I got to know what he was interested in. When I said no, he was heartbroken like a jilted lover. In fact, casting couch के बारे में बात करते हुए in general उन्होंने कहा, Casting couch is a very real thing. I have experienced it first hand. आयुष्मान खुराना। लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आयुष्मान खुराना है। इस हॉरिबल एक्सपीरियंस के बारे में आयुष्मान ने कहा, I was a TV anchor, so a casting director directly told me that I would have to do it. So I told him that if I was not straight, I might have given it a thought, but I can't do it. So yeah, the casting couch exists, but eventually, it's your talent or potential as an actor or performer which would last. You don't need to give in to such stuff. राधिका आप्टे। राधिका आप्टे से बहुत कम ही लोग पंगे लेते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी ये बन गई थी कास्टिंग काउच का शिकार। एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने कहा, आई थिंक वंस एन एक्टर इन साउथ कॉल मी ऑन माई रूम फोन एंड ट्राई टू गेट फ्लर्टेशियस एंड आई जस्ट वाज सो रूड टू हिम। आई थिंक ही फॉट विद मी लेटर ऑन, बट एनीवे आई हैवंट एवर गॉट अ रिक्वेस्ट सेइंग दैट यू हैव टू स्लीप विद अस। ओह, वंस आई गॉट अ कॉल एंड दे सेड दे आर डूइंग दिस फिल्म इन बॉलीवुड एंड आई वांट यू टू हैव अ मीटिंग विद देम, बट वुड यू बी ओके स्लीपिंग विद दैट पर्सन? एंड आई लाफ्ड, आई सेड यू आर सो फनी, यू आर वेरी फनी, एंड आई सेड नो आई एम नॉट, आस्क हिम टू गो टू हेल। इतना ही नहीं, गूल सीरीज के सेट्स पर भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट उन्हें फेस करना पड़ा था। स्वरा भास्कर। बोल्ड एंड बिंदा स्वरा भास्कर ने भी किया अपना एक्सपीरियंस शेयर और कहा, देर हैव बीन कैट कॉल्स ड्यूरिंग शूट्स एंड ईव टीजिंग ऑन वन ऑफ माई सेट्स। आई हैव बीन ग्रोप्ड बाय अ मॉब ड्यूरिंग प्रमोशंस एंड ड्यूरिंग अ 56 डे आउटडोर एट अ रिमोट लोकेशन व्हेन आई वाज स्टिल फेयरली न्यू। द डायरेक्टर हैरास्ड मी विद टेक्स्ट एंड डिनर इनवाइट्स। He stalked me during the day and called me through the night. I was asked to go to his hotel room on the pretext of discussing the scene and would find him drinking. During the first week itself, he started talking about love and sex and one night arrived in my room, drunk and asked to be hugged. It was scary. Itna hi nahi, sabko salah dete hue Swara ne kaha tha, lose the part but don't get on the couch. Sameera Reddy. Bollywood mein apne unpleasant experiences ko share karte hue, Sameera ne kaha, If I deny having had any bad experiences, I would be lying. Every industry has its downside, and so does Bollywood. I have certainly had my share of bad experiences, but I have always managed to maintain my stand and command respect. Sameera ne aage kaha, The casting couch does exist. There is no denying it. I have just one thing to tell girls aspiring to be actresses. Nothing is worth selling your soul. Kalki Kekla. कल्कि भी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस है। इन्हें भी करना पड़ा कास्टिंग काउच का सामना। कल्कि ने उन सारी फिल्मों को ठुकरा दी जिसके लिए उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने को कहा गया था। एक बार कल्कि ने कास्टिंग काउच के बारे में कहा, आई मस्ट से ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट, इट डिड ट्राई एंड एंटैंगल मी इन इट्स ग्रिप, बट आई एम स्लिपरी, आई ऑलवेज मैनेज टू गेट आउट ऑफ इट, द मिनट आई फेल्ट अनकंफर्टेबल आई वॉक्ड अवे। चित्रांगदा सिंह।
चित्रांगदा सिंह ने भी कहा कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच अक्सर होता रहता है और इसे पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इन्हीं रीजंस की वजह से चित्रांगदा ने फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज को भी एग्जिट किया था। तो अब आप हमें कमेंट करिए, बताएं कि आपको किसकी कहानी लगी सबसे शॉकिंग। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।